अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन वेलकम टू एज रेसिपीज़ आज हम बनाएंगे फ़िलीपींस फेमस गार्लिक फ्राइड राइस ये थ्री मिनट्स रेसिपी है बहुत इजी बहुत सिंपल और बहुत डिलीशस रेसिपी है आप इसको प्लेन भी खा सकते हैं और किसी ग्रेवी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं एक पैन को मीडियम हाई हीट पर गर्म करेंगे उसमें ऐड करेंगे हाफ कप ऑयल अब उसमें ऐड करेंगे पंद्रह से बीस गार्लिक क्लोव्स रफली चॉप और उसको हम मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे और स्टर करते रहेंगे ताकि गार्लिक इवनली ब्राउन हो जब क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम गार्लिक को स्ट्रेन कर लेंगे गार्लिक हमने स्ट्रेन कर लिया है अब इसको हम साइड में रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ एक पैन को मीडियम हाई हीट पर गरम करेंगे और जिसमें हमने गार्लिक फ्राई किया था उसी ऑयल को यूज़ करेंगे अराउंड हाफ कप ऑयल गरम हो जाए तो उसमें ऐड करेंगे तीन ग्रीन अनियंस चॉप की हुई उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे फ्राइड गार्लिक अराउंड दो टेबलस्पून और इस गार्लिक को हम अनियन के साथ एक से दो मिनट के लिए सोटे करेंगे अब ऐड करेंगे तीन कप बॉयल राइस जो कि एक दिन पुराने हैं अब इसमें हम ऐड करेंगे वन टीस्पून फ्रेश कुटी हुई ब्लैक पेपर दो टेबल स्पून इसमें हम ऐड करेंगे सोया सॉस अगर चावलों में सॉल्ट नहीं है तो रेगुलर यूज़ कर सकते हैं दो से तीन मिनट के लिए इसको हम स्टर फ्राई करेंगे ताकि चावल अच्छे से वेल कोटेड हो जाएं। आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे वन टीस्पून स्पून सेसपी सीड ऑयल और इसको मिक्स करेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे हमारी डिश रेडी है आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कमेंट सेक्शन में बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी थैंक्स फॉर वाचिंग टेक केयर अल्लाह हाफिज